हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन आई के बारे में। ह्यूमन बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जिसमें से आईज भी एक सेंस ऑर्गन है। आईज लाइट में रिएक्ट करते हैं और विजन में हेल्प करती हैं, और वी कैन से विद द हेल्प ऑफ आईज वी आर एबल टू सी। आईज की हेल्प से हम दो कलर्स को देखकर उनमें डिफरेंस बता सकते हैं। एंड परसेप्शन ऑफ डेप्थ वो एबिलिटी है जो कि किसी भी चीज़ को 3 डायमेंशंस में दिखाती है, और फिर जज करना कि वो चीज़ हमारी कितनी पास या कितनी दूर है। अब हम बात करेंगे आई की लोकेशन और उसकी कवरिंग। आईज स्कल के सॉकेट्स और हॉलो पार्ट में होती हैं, इनको बोलते हैं ऑर्बिट। आईज का शेप स्फेरिकल होता है। आई की वॉल 3 लेयर्स से बनी होती है। फर्स्ट लेयर फाइब्रस लेयर होती है, जिसके पार्ट होते हैं स्क्लेरा एंड कॉर्निया। सेकेंड लेयर वस्कुलर होती है, जिसके पार्ट हैं आयरिस, सिलियरी बॉडी एंड कोरोइड। थर्ड लेयर होती है रेटिना, जिसके पार्ट हैं पिगमेंटल लेयर और न्यूरल लेयर। अब हम सबसे पहले बात करेंगे स्क्लेरा और कॉर्निया के बारे में, जो कि फाइब्रस कोट के पार्ट्स हैं। स्क्लेरा आई को प्रोटेक्ट और उसके शेप को मेंटेन करता है। स्क्लेरा आई का वाइट पार्ट होता है, जो कि आई के ज़्यादातर पार्ट को कवर करता है। इसमें कोलेजन फाइबर्स होते हैं। कोलेजन फाइबर एक प्रोटीन है जो कि आई को स्ट्रेंथनिंग और कुशनिंग प्रोवाइड करता है। कॉर्निया आई का एंटीरियर ट्रांसपेरेंट पोर्शन होता है। जब लाइट वेव्स आई में एंटर करती हैं, तब कॉर्निया उन लाइट वेव्स को फोकस करने में हेल्प करता है। कॉर्निया एवास्कुलर होता है, जिसमें ब्लड का कोई सप्लाई नहीं होता, इसलिए कॉर्निया ऑक्सीजन एयर से एब्जॉर्ब करती है। कॉर्निया उन ऑर्गन्स में से एक है जो कि सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट किया गया था। अब आई की सेकेंड लेयर है वस्कुलर कोट। वस्कुलर कोट में ब्लड वेसल्स का नेटवर्क होता है। इसके पार्ट हैं कोरोइड, सिलियरी बॉडी एंड आयरिस। कोरोइड मिडिल लेयर होती है स्क्लेरा और रेटिना के बीच में। इसमें खूब सारी ब्लड वेसल्स होती हैं। कोरोइड ब्लू कलर की अपीयर होती है पिगमेंट सेल्स की वजह से। कोरोइड का पोस्टीरियर पार्ट थिन होता है और एंटीरियर पार्ट थिक होता है, जो कि सिलियरी बॉडी कहलाता है। सिलियरी बॉडी में सिलियरी मसल्स और सिलियरी प्रोसेसेस होते हैं। सिलियरी प्रोसेसेस एक लिक्विड प्रोड्यूस करते हैं, जिसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। आयरिस में एक पिगमेंट होता है, जिससे हमारे आईज को कलर मिलता है, जैसे कि ब्लू आईज, ब्राउन आईज और ब्लैक आईज। सिलियरी बॉडी से लेंस तक का पार्ट आयरिस कहलाता है। आयरिस के सेंटर में एक ओपनिंग होती है, जिसको बोलते हैं प्यूपिल। आयरिस में दो टाइप की स्मूथ मसल्स होती हैं, सर्कुलर मसल्स एंड रेडियल मसल्स। जब रोशनी कम होती है, डिम लाइट होती है, तो रेडियल मसल्स सिकुड़ जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, और जब लाइट ज़्यादा होती है, ब्राइट लाइट होती है, तो सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, सिकुड़ जाती हैं। अब आई की नेक्स्ट लेयर है रेटिना, जो कि एक नर्वस कोट है। रेटिना आई की इनरमोस्ट लेयर होती है, जो कि न्यूरल और सेंसरी लेयर होती है, जिसमें नर्व सेल्स और ब्लड वेसल्स होते हैं। रेटिना का एक्सटर्नल सरफेस कोरोइड के कांटेक्ट में रहता है, और इंटरनल सरफेस एक फ्लूइड के कांटेक्ट में रहता है, जिसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। रेटिना में कॉर्निया के सेंटर के अपोजिट एक येलो एरिया होता है, जिसको बोलते हैं मकुला लूटिया। मकुला लूटिया के मिडल में एक स्मॉल पिट होता है, हल्का सा गड्ढा, जिसको बोलते हैं फोविया सेंट्रलिस। फोविया सेंट्रलिस में शार्पेस्ट इमेज फॉर्म होती है, क्योंकि इसमें कौन सेल्स की कंसंट्रेशन हाई होती है। ऑप्टिक डिस्क रेटिना का वो एरिया है, जहां से ऑप्टिक नर्व्स और ब्लड वेसल्स रेटिना में एंटर करती है। ऑप्टिक डिस्क को ब्लाइंड स्पॉट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें फोटो रिसेप्टर सेल्स नहीं होती, इसलिए यहाँ कोई इमेज फॉर्म नहीं होती। रेटिना में दो टाइप के फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं। सबसे पहला होता है कॉन्स। कॉन्स में आयोडेप्सिन पिगमेंट होता है, जो कि फोटो रिसेप्टर प्रोटीन है। ये मेनली कलर विजन के लिए होता है। कॉन सेल्स डे लाइट में ज़्यादा एक्टिव होते हैं, इसलिए इनको फोटोपिक बोलते हैं। और दूसरी सेल्स होती हैं रॉड सेल्स, जिसमें रोडोप्सिन पिगमेंट होता है, जो कि एक टाइप का प्रोटीन होता है। रॉड सेल्स डिम लाइट में ज़्यादा एक्टिव होते हैं, इसलिए इनको स्कोटोपिक बोलते हैं। अब हम बात करेंगे आई के फ्लूइड पार्ट के बारे में।
आई में दो चैम्बर्स होते हैं। एक होता है एक्वस चैम्बर, जो कि कॉर्निया और लेंस के बीच में स्पेस होता है। इसमें थिन वाटरी फ्लूइड होता है, जिसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। ये आई को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और दूसरा चैम्बर होता है विट्रस चैम्बर, जो कि लेंस और रेटिना के बीच में स्पेस होता है। इस स्पेस में ट्रांसपेरेंट जेल होता है, जिसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर आई के शेप को मेंटेन करता है। अब हम देखेंगे कि आई में किसी भी इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, थ्रू मैकेनिज्म ऑफ विजन। जब विजिबल वेवलेंथ की लाइट रेज कॉर्निया और लेंस के थ्रू आई में एंटर करती है, तब वो लाइट रेज रेटिना की रॉड्स और कोन सेल्स में इम्पल्सेस जनरेट करती है। रॉड्स और कोन सेल्स में जो फोटो पिगमेंट्स होते हैं, उनके दो कॉम्पोनेंट्स होते हैं, ऑप्सिन और रेटिनॉल। ऑप्सिन एक प्रोटीन होता है और रेटिनॉल विटामिन ए का एल्डिहाइड होता है। लाइट रेज इन फोटो पिगमेंट्स के दोनों स्ट्रक्चर्स को अलग कर देती है, डिसोसिएट कर देता है। ऑप्सिन और रेटिनॉल के डिसोसिएट होने पर ऑप्सिन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, जिससे कि मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी चेंज हो जाती है। फोटोरिसेप्टर सेल्स में पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होने पर गैंग्लियन सेल्स, जो कि न्यूरॉन्स होते हैं, उसमें एक्शन पोटेंशियल और इम्पल्सिस का जनरेशन होता है। इन इम्पल्सिस को ऑप्टिक नर्व ब्रेन के विजुअल पार्ट ट्रांसमिट करती है, जहाँ पर इन इम्पल्सिस को एनालाइज किया जाता है और रेटिना में जो इमेज का फॉर्मेशन होता है उसको रिकग्नाइज किया जाता है। ऐसे रेटिना पर इमेज का फॉर्मेशन होता है।